विश्व में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में डॉक्टर बी के अग्रवाल ने लोगों को बढ़ती जनसंख्या को लेकर जागरूक किया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य कि लोगों को जागरूक करे, जिस तरह जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उसे कैसे कंट्रोल ला सके, उसी विषय पर बात करेंगे शहर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर बी के अग्रवाल से कि सर वाकई में कि जो जनसंख्या बढ़ रही है किन कारणों से बढ़ रही है और कहाँ मतलब हम इस चीज़ को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि इस वजह से ये जनसंख्या बढ़ रही है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत, सीनियर से बात करने का, आपके माध्यम से बहुत जागरूक कर रहे हैं हम लोगों को। सर आज हम जनसंख्या पर बात कर रहे हैं, देखें सर लोग जागरूक तो हुए हैं, अगर हम जागरूकता की बात करें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज हम दो का नारा या फिर हम दो हम एक का नारा दे रहे हैं। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक आज का दिन का सवाल है कि 11 जनवरी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, एक टाइम था जब 1989 में जब इसको ये हुआ था कि भाई हमें अवेयरनेस करना है, लोगों को जागरूक करना है, तो उस टाइम पे लगभग वर्ल्ड में 5 बिलियन पॉपुलेशन थी। कुछ दिनों हम पहले की बात करें, इंडिया में भी अगर डाटा देखें तो लगभग ऐसे मानो कि जो आज की डेट में 140 करोड़ से ऊपर जो आबादी है, थोड़े दिनों पहले के अगर हम डाटा को देखें तो हम इसको 1 करोड़ ऐसा 140 की जगह हम 100 करोड़ के आसपास लगभग डाटा गिनते थे कि भाई 100 करोड़ पार आबादी, कुछ ही साल पहले की बात है। लेकिन आज की स्थिति ये ऐसी, हम कई सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि एज के साथ बढ़ती जाती हैं, तो उनका भी ऐसे ही डाटा देखने को मिल रहा है कि वो लगातार, जैसे डायबिटीज़ के रोगी ले लें तो वो लगभग 35-37 के करीब थे और आज की डेट में लगभग जैसे इंडिया में ही 10-11 करोड़ से ऊपर लोग हैं। मतलब वैसे तो हमारा देश किसी चीज़ में आगे नहीं है, हर चीज़ में पीछे, पर अब कुछ सालों में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, नंबर वन बन जाएंगे। हम लोग गर्व से कहेंगे हम लोग जनसंख्या में नंबर वन है। जो मैं उसी बात पे कह रहा था, ऐसी कई बीमारियों में भी हम नंबर वन होने जा रहे हैं। एक तो मैंने जैसे डायबिटीज़ का बताया, तो ऐसे ही पॉपुलेशन में भी, तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है। रिसोर्सेज की कमी, नौकरियों की कमी, जनता में रहने की जगह की कमी, जो ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, ओवर क्राउडेड की वजह से बीमारियों का भी बढ़ना। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक नसबंदी प्रोग्राम चलाया था, शायद इसी वजह से उनकी सरकार भी उस वक्त चली गई थी। मतलब किसी ने कदम बढ़ाया भी तो उन्हें पीछे भी हटना पड़ा। तो क्या वाकई में सर ऐसे मतलब कठोर कानून की, जैसे कि चाइना में है कि आपके साथ, आपके पास एक बच्चे से अधिक है तो आपको सरकारी कोई सुविधा नहीं मिलेंगी, तो ऐसा भारत में कोई नियम कठोर लाया जाता तो कोई फ़ायदा होगा इससे? सर ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इसमें सोच नहीं रही है। आपने विभिन्न पेपरों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आपने कई सारे उसमें चैनल्स पे भी देखा होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल की गवर्नमेंट भी कई प्लानिंग बातें कर रहे हैं। अभी भी बीच में भी एक प्लान ये आया था कि भाई अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आगे चल के सरकारी नौकरियों में फ़र्क पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को एक कठोर कदम लेते हुए नो डाउट लागू करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बर्थ कंट्रोल का सवाल है, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल भाषा बताता हूँ, तो बर्थ कंट्रोल का जो सवाल है, ऐसा नहीं है कि एक आम जनमानस उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता। ये सब चीज़ें ऐसी आगे आने वाली, ओवर क्राउडेड अगर पॉपुलेशन है, ज़मीन है, पानी का आप दोहन कर रहे हो लगातार, आगे चल के आप ये भी आप देखेंगे 50 साल बाद क्या पानी के लिए क्या क्राइसिस होने वाली है। वर्ल्ड में बहुत सारे जो एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं, जो एनजीओज़ हैं, वो इस पर काम कर रही हैं कि कैसे हम पानी को हम बचाएं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अभी प्रोग्राम एक बनाया है कि 500 मीटर से अगर आपका 500 मीटर या 500 गज 500 मीटर से अगर आपका घर ज़्यादा होता है तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। क्या है ये इसीलिए है कि हमारा ये भी सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका बेसिक जड़ है पॉपुलेशन। अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जनसंख्या विस्फोट जो भविष्य में होने वाला, उससे कैसे अभी निजात पा सकते हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि शिक्षा में से हम शामिल कर सकते हैं और जो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके जरिए हम लोग जो है जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात भी है कि जो पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को आज समझ रहे हैं, कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या जब ज़्यादा पड़ती है तो अस्पतालों में, स्कूलों में हम मारामारी देखते हैं कि एडमिशन के लिए मारामारी होती है। सब उन सब चीज़ों से बचने की आज हमें जनसंख्या कंट्रोल करनी पड़ेगी और हमें अच्छे और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। राहुल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़।